सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम निषाद अहमद शेख। निषाद अहमद शेख जी, ये बताइए, आज गुजरात के रिजल्ट आ गए हैं। हाँ। और उसमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 156 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, कांग्रेस 20 से कम आ रही हैं। जी हाँ। इसके आप बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ इस बार? बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ है ना वो अच्छा ही हुआ है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए सबके लिए सुख शांति और चैन है। काम करा तो ही सीटें आई ना, अगर काम नहीं करा तो कुछ नहीं आता। कांग्रेस तो कह रही थी और आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कोई भी विकास नहीं किया मोदी जी ने। वो विकास तो दिखना, जो दिख रही है वो तो दिखेगा ही ना विकास में। खाली महंगाई का है तो वो भी हल हो जाएगा, रोजी रोजगार चालू हो जाएगा, सब कुछ चालू हो जाएगा, तो बीजेपी क्या 50 क्या 100 साल भी राज करेगी? अभी वो काम कर रहे हैं, वो भाजपा अच्छी तरह काम कर रहे हैं, उनकी से ज्यादा आनी चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, बीजेपी क्योंकि ये गढ़ है गुजरात बीजेपी का, यहाँ पे तो बीजेपी को आना ही था, तो बीजेपी आती है यहाँ पे, क्या ये 100 सीटा हो कि 150 सीटा हो या 90 सीटा हो, बीजेपी आने की है यहाँ। वहाँ हिमाचल में कांग्रेस खुश हो गई, यहाँ बीजेपी खुश हो गई, और दिल्ली में आप वाला तीनों का हो तो क्या आप क्या? तीनों पार्टियाँ खुश हो गई और भाजपा को गुजरात खुश करना था, भाजपा गुजरात में खुश हो गई। वो तो अब अपने कुछ बता नहीं सकते, लेकिन भाजपा का जो है वो ही आता है हर साल। यहाँ पे किसी को फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। अच्छा, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे विकास होगा तो ही वोट मिलेगा। यहाँ पे मेट्रो भी आई है, रिवर फ्रंट भी सबसे बेस्ट बना है, अटल ब्रिज भी बना है, देखिए सब देख सकते हैं। इस समय हम मार्केट में हैं, तीन दरवाजा मार्केट, आपको चारों तरफ हम दिखा रहे हैं कि गुजरात के चुनाव जैसे ही आए उसके बाद हम पब्लिक का ओपिनियन जानने आए हैं कि जो ये रिजल्ट सामने आए 156 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं उस पर लोगों का क्या कहना है, तो उन्हीं से बात करते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है, जो बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई है उन पर इसका क्या कहना है। आओ उधर चले जाते हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम निषाद अहमद शेख। निषाद अहमद शेख जी, ये बताइए, आज गुजरात के रिजल्ट आ गए हैं। हाँ। और उसमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 156 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, कांग्रेस 20 से कम आ रही हैं। जी हाँ। इसके आप बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ इस बार? बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ है ना वो अच्छा ही हुआ है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए सबके लिए सुख शांति और चैन है, और अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी बात है। 156 सीटें पिछली बार से मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पब्लिक का साथ है उनको। अच्छा। मोदी साहब को पब्लिक का साथ है, दूसरा कुछ नहीं, और सब चैन सुकून से धंधा करें, रोजी रोटी सबकी चालू रहे, उसके हिसाब से ये सब कुछ हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि 27 साल बाद हमारी वापसी होगी कांग्रेस की, लेकिन 20 से कम सीटें। कहने से नहीं होता साहब, करके दिखाने से होता है। जो मोदी जी ने करके दिखाया ना वो कोई नहीं कर सकता। अगर आप बता पाए क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक हो गई है। भाई वो हमको पता नहीं है, अपने इलेक्शन को वोट देने से मतलब, ईवीएम से अपना कोई लेना देना नहीं, जनता क्या करेगी वो थोड़ी कह सकती है, कोई नहीं कह सकता था। सही बात है, उनके मेहनत के हिसाब से जो हुआ है बहुत अच्छा रिजल्ट आया। प्रधानमंत्री ने लगातार चुनावी रैलियां की थी, 58 किलोमीटर यहाँ पर अहमदाबाद में उन्होंने रोड शो किया था, उसी का परिणाम बता रहे हैं। हाँ, सही बात है, उनकी मेहनत है, कामयाबी है, मोदी जी की कामयाबी है, बेशक बहुत अच्छी कामयाबी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से आए थे, वो तो कह रहे थे 93 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, लेकिन 5 से कम सीटें आ रही उनकी। अरविंद केजरीवाल साहब का जो था ना वो कुछ हुआ नहीं, जो उनका 100 था, यानी उसको पब्लिक को बोलते 100, लेकिन पब्लिक ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और पब्लिक को अभी कोई चीज ध्यान नहीं दी, सिर्फ रोजी और ये धंधा। वो तो कह रहे थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। वो कहने से थोड़ी होता है, करके दिखाने से होता है। मैन संभाल के आता है, करके दिखाओ, कहने से थोड़ी कुछ होगा। अच्छा। तुम करके दिखाओ, मोदी ने सब करके बताया कि नहीं। क्या क्या काम किए थे अगर आप बता पाए तो? कौन मोदी जी ने क्या? मोदी जी ने गुजरात के अंदर पहली बात तो शांति, रोजी धंधा, रोजी रोजगार सबका चल रहा है, ये अल्लाह की मेहरबानी है और मोदी जी की मेहरबानी है, बस हमारा यही शान है, दूसरा कुछ नहीं है। और रोजी रोजगार सबके चालू है, सब रोजी धंधे से रहे, सब में बड़ी बात ही है। अब ये बताइए अगले 5 साल के लिए क्या काम करने चाहिए बीजेपी को? अब ये जो इन्होंने जो एजेंडा तैयार किया हुआ है वो काम करके बताएंगे तो फिर अगले 5 साल इनके ही रहेंगे। 50 साल का तो टारगेट है अमित शाह जी का, 50 साल तक हम करके बताएंगे तो करके बताएंगे, और क्या। अच्छा, विकास हो रहा है यहाँ, अच्छी बात है, सब में अच्छा, रोजी का मसला है, ठीक, मतलब आमदनी हो रही है। अजवा
रोजी का मतला रहेगा तो वहाँ तक सब अच्छा रहेगा। नाम क्या आपका? महबूब। महबूब जी ये बताइए, आज बीजेपी की यहाँ कर सरकार बन गई है प्रचंड बहुमत से, 156 से ज्यादा सीट आ गई 182 में से, इस पर क्या कहेंगे आप? वो काम करा हुआ इसके वजह से तो 156 सीट आई, काम करा तो सीटें आई ना, अगर काम नहीं करा तो कुछ नहीं आता। कांग्रेस तो कह रही थी और आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कोई भी विकास नहीं किया मोदी जी ने, वो विकास तो दिख रहा जो दिख रही है वो तो दिखेगा ही ना विकास में, खाली महंगाई का है तो वो भी हल हो जाएगा, रोजी रोजगार चालू हो जाएगा, सब कुछ चालू हो जाएगा, तो बीजेपी क्या 50 क्या 100 साल भी राज करेगी? 100 साल भी राज करेगी। कई लोग तो कह रहे हैं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये सब ईवीएम ने वो कुछ सब बातें बहाना है, ये काम बोलता है बाकी कुछ नहीं बोलेगा। काम क्या क्या किए थे इन्होंने पिछले सालों में? काम तो देखो अपने का मेन मसला है रोजी रोजगार का, धंधा का, धंधे का, हमको धंधा मिल रहा है, रोजी चल रही है, सबका पेट पल रही है, कोई सबसे बड़ा काम है ना। पुलिस परेशान तो नहीं करती आपको? पुलिस कहाँ से परेशान करेगी, और मोदी जी वो साथ में सब हमारे, सबका साथ सबका विकास, पुलिस भी साथ है हमारे, सब यानी काम धंधा रोजी रोजगार में सबको हमको फायदा ही है। केजरीवाल का क्या हुआ, क्योंकि वो तो बड़ी उस समय बातें कर रहे थे कि बहुमत से हमारी सरकार आ रही, बीजेपी की हार रही है और कांग्रेस की 5 से कम सीटें आ रही हैं, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, कोई क्या काम करता, हमारे तो जो काम दिखा ने उसके वजह से जो सरकार बनती है वो बनेगी। तो जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो इतने बड़े आंकड़े बीजेपी के आ रहे हैं, उससे खुश हैं आप? हम तो खुशी है ना, हमारे को तो बहुत खुशी है। अच्छा, अहमद सिंह ये बताइए, अभी गुजरात इलेक्शन के परिणाम आ गए हैं और बीजेपी की 156 से ज्यादा सीटें आ रही, 182 में से, बराबर आनी चाहिए। अच्छा, बराबर, ऐसा क्यों? ऐसा बराबर, देखो अभी वो काम कर रहे हैं, वो भाजपा अच्छी तरह काम कर रहे हैं, तुम किसे ज्यादा आनी चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, क्या? काम क्या क्या किए उन्होंने? काम क्या क्या किए? तो बहुत किया ना गुजरात के लिए, तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। कुछ बता सकें आप, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां उस समय कह रही थी चुनाव प्रचार में कि मोदी जी ने एक भी विकास का काम नहीं किया। नहीं, बहुत कुछ किया है, हम जानते हैं, हम तो अहमदाबाद में रहते हैं, हम जानते हैं भाई साहब क्या देखो सब जो काम किया है उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, और रिवर फ्रंट का जो काम किया वो उन्होंने किया हुआ है, जो अटल ब्रिज बनाया ना, अटल ब्रिज बनाया, फिर दूसरा जो अभी अंदर जो है मेट्रो का काम उन्होंने किया, क्या ये सब काम उनका किया हुआ है। केजरीवाल जब आ रहे थे चुनाव में तो वो तो कह रहे थे इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से, लेकिन उनकी तो 5 से कम सीटें आ रही हैं। बराबर है, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। अब ये बताइए कांग्रेस की इतनी कम सीटें क्यों आई यहाँ? भाई देखो यहाँ एक तो क्या कांग्रेस ने कुछ काम शायद नहीं किया होगा, उसकी वजह से उनकी कम सीट आई है, और दूसरे फिर हम क्या दो पक्ष हो जाते, जैसे एक दूसरा पक्ष आया है, पता है आपको हैदराबाद का जो है ओवैसी, उसके आने से हमारे दरियापुर की सीट है वो भी जो भाजपा में चली गई। अच्छा, आज यहाँ ये सीट भी चली गई है? कौन सी? ये हमारे दरियापुर की। अच्छा, दरियापुर की भी यहाँ भी बीजेपी आ गई? यहाँ भी बीजेपी आ गई। अच्छा, यहाँ तो बहुत पकड़ थी कांग्रेस की। थी हमको पता है, हमको पता है, मतलब ओवैसी जी ने खेल बिगाड़ दिया, खेल बिगाड़ दिया। आपकी बात सही, आपके बात बिल्कुल सही है। अब बीजेपी वालों को क्या कहेंगे कि अगले 5 साल क्या काम करें? भाई जो कुछ है विकास करें, उसके लिए देखो हर एक धर्म का हो, सबके लिए अच्छा काम करें, हम तो यही चाहते हैं। हम मुस्लिम हैं, हमारा भी ध्यान देवे, बराबर हमारे लिए भी कुछ सोचें, अच्छा काम करें हमारे लिए भी, क्या जिस तरीके से अभी तक भाईचारा है वैसा ही रहे। बात कर रहे हैं, नाम क्या आपका? मेरा नाम शमशेर खान है भाई। शमशेर खान जी, यहाँ पे आप मार्केट लगाते हैं? हाँ। आमदनी कैसी चल रही है? आमदनी तो ठीक है, मेरा खर्चा पानी घर का निकल जाता है इसमें। अब ये बताइए, आज गुजरात इलेक्शन के परिणाम आए हैं, उसमें बीजेपी बम्पर बहुमत से आ रही है, 156 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? बीजेपी क्योंकि ये गढ़ है गुजरात बीजेपी का, यहाँ पे तो बीजेपी को आना ही था, तो बीजेपी आती है यहाँ पे, क्या 100 सीट हो कि 150 सीट हो या 90 सीट हो, बीजेपी आने की है यहाँ। केजरीवाल तो कह रहे थे इस बार गुजरात में हम आएंगे। केजरीवाल तो दिल्ली है, पंजाब है, वो उसका वहाँ ही चलता है, बाकी केजरीवाल गुजरात में नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ही चल सकती है। कई सीटों पे उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं, हो सकता है क्योंकि
नया नया है, इसके हिसाब से वो भी जावे। कांग्रेस की इतनी कम सीटें क्यों आई, 16 सीटें बता रहे हैं? अब वो यहाँ पे लगभग 20 साल से गुजरात में भाजपा भी चल रही है, तो कांग्रेस पछाड़ी जाएगी ना। अच्छा, मोदी जी ने कुछ काम किए थे? मोदी ने तो गुजरात में किया हुआ ना, अच्छा ही काम किया हुआ है। कुछ काम बता पाए आप? ये के थोड़ा विकास करा हुआ है मोदी जी ने। ये बताइए बीजेपी को क्या कहेंगे कि अगले 5 साल क्या काम करें वो? देखो, अगर ये 5 साल में बीजेपी थोड़ा अच्छा काम करे तो फिर आते 5 साल में भी बीजेपी को ही लाएंगे। अच्छा, इससे ज्यादा? और इससे ज्यादा, क्योंकि अभी 155 आई है तो 5 सीटा ज्यादा 160 भी आ सकती है। अच्छा, 160 से ऊपर जाएगी। ठीक। नाम क्या सर आपका? यूसुफ। यूसुफ जी, ये बताइए, गुजरात इलेक्शन के 2 महीने से ज़्यादा रैलियां चली, सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरफ से वो किया, लेकिन आज जब रिजल्ट की बारी आई तो बीजेपी 156 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, इस पर कुछ कहेंगे? वहाँ हिमाचल में कांग्रेस खुश हो गई, यहाँ बीजेपी खुश हो गई, और दिल्ली में आप वाला तीनों का हो तो कि आप क्या, तीनों पार्टियाँ खुश हो गई और भाजपा को गुजरात खुश करना था, भाजपा गुजरात में खुश हो गई। आपको ये बताइए 156 से ज़्यादा सीटें कैसे आ गई? वो सब बताने की जरूरत नहीं, सभी समझदार लोग हैं। कई लोग कुछ ज्यादा नहीं बोलना उस पर। कई लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई, कई कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया। जीतने के बाद सब बातें बाहर आती, उसके पहले कोई ध्यान देने वाला नहीं होता, भाजपा हो कांग्रेस हो क्या बोला हो, जब आपको पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो आप उस टाइम पे ध्यान दो ना, क्यों नहीं देते, क्यों आराम कर दो, आपको आराम नहीं करना चाहिए वो टाइम पे। राहुल गांधी ने यहाँ केवल 1 दिन ही प्रचार किया, इस वजह से उनकी 16 सीटें आ रही हैं, इस पर कुछ कहेंगे? राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है, अपने तो मोदी साहब है, बहुत हो गया। अच्छा, और वहाँ आप वाला है, उसने ध्यान दिया तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, यहाँ कांग्रेस ने ध्यान दिया तो वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो फिर यहाँ कहाँ से गड़बड़ी होगी, यहाँ बीजेपी ने ध्यान दिया हुआ है। अब ये बताइए, आम आदमी पार्टी यहाँ गुजरात में पहली बार आई थी, वो तो पूरी केजरीवाल कह रहे थे बहुमत से हम सरकार आएंगे, लेकिन 5 से कम सीटें आ रही उनकी। वो तो कहने का होता है सब, अभी हम भी बोलते कि मेरी सीटियां आ जाएगी, मैं 15 लाख दे दूंगा, तो वो सब कहने का होता है, बीजेपी है बीजेपी रहने की है। काम किया था उन्होंने कुछ? काम तो है ना, उसका रिवर फंड बनाया हुआ है, देखो कितना सारे मॉल बने हुए हैं, विकास हुआ, चारे बाजू रोड रस्ते सब बना हुआ है, तो पब्लिक वही ध्यान देने की है, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं देने का। तो अब क्या कहेंगे, बीजेपी की तो 5 साल की सरकार बन गई, अब उनके लिए क्या कहेंगे, क्या काम करेंगे अगले 5 साल में? तो खुद ब खुद काम करते हो जाएंगे अब, क्योंकि आप वाला आ गया तो उनको भी तो ध्यान देना है ना, क्या रोड स्कूल फिर हॉस्पिटल है उसके ऊपर सब ध्यान देंगे, क्योंकि 5 साल तो उन्होंने 27 साल राज करा हुआ है, दूसरा 5 साल करना है तो और ध्यान देंगे वो लोग, नहीं देंगे ऐसा तो है नहीं। अच्छा, नाम बता दीजिए। फिरोज भाई जी, ये बताइए, आज गुजरात के परिणाम आए हैं और उसमें बीजेपी की जीत हुई है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की 20 से कम सीटें आई हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो तो अब अपने कुछ बता नहीं सकते, लेकिन भाजपा का जो है वो ही आता है हर साल, वो ही रहता है। इस बार तो पहले से ज़्यादा सीटों के साथ आ रखे हैं, 156 से ज़्यादा। हाँ, तो वो ही आता है हर साल और वो ही आएगा। इस बार तो यहाँ की सीट भी बीजेपी ले गई, क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हुआ, 156 से ज़्यादा सीटें कैसे आ गई बीजेपी की? बताओ ना भैया। नाम क्या आपका? मुकेश। नाम क्या? मुकेश। मुकेश जी, ये बताइए, बीजेपी की 156 से ज़्यादा सीटें आ गई हैं, क्या लग रहा है, क्यों आई हैं इतनी सीटें? क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा है बीजेपी का। क्या क्या काम किया उन्होंने? उसने सब सड़कें अच्छी की और ग्रीन सिटी बनाया इसलिए। अच्छा, और केजरीवाल 5 से कम सीटें आ रही हैं उनकी, वो तो कह रहे थे बहुमत से सरकार बनाएंगे। वो तो मेरे को मालूम नहीं है, और इसका बीजेपी का काम अच्छा है इसलिए वो। सर जी, यहाँ पे किसी को फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। अच्छा, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे विकास होगा तो ही वोट मिलेगा, यहाँ पे मेट्रो भी आई है, रिवर फ्रंट भी सबसे बेस्ट बना है, अटल ब्रिज भी बना है, विकास आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा किया हुआ है। और राहुल गांधी यहाँ 1 दिन के प्रचार के लिए आए थे और कांग्रेस की 16 ही सीट आई है। 1 दिन के प्रचार से कुछ नहीं होता है, मोदी जी ने 20 दिन में 25 रैलियां की है, कितने रोड शो की आपको भी मालूम, अहमदाबाद का रोड शो हुआ था 58 से ज्यादा किलोमीटर, 4 घंटे का कितना बेस्ट रोड शो हुआ आपको भी मालूम है, बिना पैसे दिए पब्लिक आई है। अच्छा, बहुत से ज्यादा क्या हो सकते हैं, काम किया था उन्होंने, मोदी जी के नाम से वोट पड़ते हैं यहाँ पे, 156 तो बहुत हो गए, बहुत है। खुश हैं आप? खुशी है ना, मुझे सरकार और किससे ज्यादा क्या चाहिए। अब ये बताइए, अगले 5 साल के लिए वो तो यहाँ सरकार में आ गए, क्या काम करनी चाहिए बीजेपी? अभी मेन है ना, रोजगारी पे काम जरूरी है,
लड़के सब पढ़ रहे हैं लेकिन उनको जितना रोजगार इतना नहीं मिल रहा है, वो चीज बहुत जरूरी है। बाकी विकास तो हो ही रहा है, रोजगार मिलने चाहिए, रोजगार जरूरी है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।